हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हम समझते हैं कि हुकूमत ना होने के बराबर है, हुकूमत नजर नहीं आ रही। जितनी बुरी हालत इस वक्त मुल्क में गवर्नेंस की है, इकॉनमी बर्बाद हो रही है, उसके बारे में तो दो राय नहीं है, एक वैक्यूम है। असेंबलीज मस्ट, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट गिव एन एडवाइस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली एंड दे शुड गो फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। गैर जमहूरी, गैर आईनी बात नहीं है कि अगर हम ये कहें कि जल्दी इंतखाब है। केयरटेकर गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत विद इन 90 डेज इलेक्शंस। नॉट एट ऑल, वी स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट एनी काइंड ऑफ टेक्नोक्रेटिक। ओके, कंसेंसस ये है जनाब कि असेंबलीज डिसॉल्व की जाए, पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का, और असेंबलीज डिसॉल्व की जाए क्योंकि जून तक ये हुकूमत चलती हुई इनको नजर नहीं आती और उसके बाद केयरटेकर सेटअप आए और 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब ड्राइंग रूम्स में बातें चल रही हैं इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे कि जनाब टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ रहा है और असेंबलीज़ किसी वक्त भी यहाँ पे जनाब डिसॉल्व की जा सकती हैं। असेंबलीज़ कैसे डिसॉल्व की जा सकती हैं मुझे नहीं पता, उसका क्या तरीक़ाकार होगा मुझे कोई कानून का इतना इल्म नहीं है, छोटा मोटा मुझे इल्म है, कानून का ज़्यादा मुझे इल्म नहीं है उसका। सो कैसे डिसॉल्व होंगी असेंबलीज़ अगर होंगी तो। लेकिन ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट वाले कहते हैं जनाब के हम जनाब इलेक्शंस करवाएंगे और वक्त पे इलेक्शंस होंगे और कोई मसला इसमें नहीं आएगा और डेमोक्रेसी इसी तरह चलती रहेगी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है वो क्या आवाम को पता है, उसकी तारीफ क्या है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की डेफिनेशन लोगों को पता है या नहीं पता, ये मेरे ट्वीट पर आप ज़रूर बताइएगा कि उसकी डेफिनेशन होती क्या है डेमोक्रेसी की, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। मेरे साथ मौजूद है शफकत महमूद साहब पीटीआई से, सरदार लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोग तशरीफ़ लाए। मेरे ख्याल में खोसा साहब से शुरू कर लें, ये अगर असेंबलीज खोसा साहब अगर डिसॉल्व होती हैं तो कैसे डिसॉल्व हो सकती हैं, कोई कानूनी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उसकी कोई तरीक़ाकार मौजूद है या कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ आती, आप समझा दें, मैं जरा थोड़ा सा स्लो हूँ। देखें, बिल्कुल आप भी माशाल्लाह समझते हैं, इसके आइन के अंदर रहते हुए ही काम होगा। ये तो खातिर जमा रखें, जो भी कोई समझ रहे हैं कि कोई तीसरी कुव्वत तो आने वाली नहीं है, कोई इम्कान नहीं है। आई मस्ट रूल दैट आउट एम्फैटिकली, इसलिए वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर जमहूरी कोई तरीका नहीं है। जमहूरी तरीके में जो है वजीर आजम जो है वो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं और वो मिड टर्म इलेक्शन, या अब तो मिड टर्म नहीं इसको कह सकते, लेकिन इलेक्शन काबिल वक्त करवाने का वो बिल्कुल, जब ये केयर टेकर आएगी, डिसॉल्व करेंगे तो केयर टेकर आएगी और केयर टेकर आएगी तो वो 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शंस करवाने की। खोसा साहब ये क्या डिसॉल्व जो करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये वक्त से पहले डिसॉल्व कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो क्या उसके सर्कमस्टेंसेस क्या बनेंगे, कोई एनवायरनमेंट चेंज होगी, अगर चेंज होगी तो क्या होगी? देखिए, मेरे ख्याल में तो डिसॉल्व होना ही होना है, ये नरिश्ता दीवार है और नवाज शरीफ खुद इस तरफ लेके जा रहा है ताकि वो सियासी शहीद भी बने और वो किसी ना किसी पर, ये फिर जिस तरह उसने कहा कि जी ये अदालतें मेरे खिलाफ फैसला लेकिन अगर ये, एक मिनट खोसा साहब, जो अगर प्राइम मिनिस्टर अगर खुद डिसॉल्व करेंगे अगर असेंबलीज, तो फिर वो शहीद कैसे होंगे? देखिए, वो बड़े आराम से, जिस तरह अब अदालतों ने तो अपने मेरिट पे फैसले किए, अदालतों ने एक साल दिया, डेढ़ साल दिया, उनसे मांगते रहे कि बता दीजिएगा आप ट्रेल ऑफ मनी, बता दीजिएगा आप, बताएं ये पैसा कहाँ से आया, किस तरह गया, ये किस तरह, ये जो है आपके दुबई में बने, किस तरह से आपके अजीजिया मिल बने, किस तरह से आपके जो है एवन फील्ड के फ्लैट्स हुए, किस तरह से ऑफशोर कंपनीज बनी, किस पैसे से ये जो है उदैबिया पेपर मिल वगैरह वगैरह, तो वो एक साल डेढ़ साल पूरी काविश के बावजूद वो जवाब ना दे सके, और अब भी जवाब उनके पास नहीं है, इसलिए कि ये लूटी हुई दौलत का कोई ट्रेल होती नहीं है। तो जहाँ तक ताल्लुक है, इसी तरह बड़े आराम से फैसला तो मेरिट पर हुआ, लेकिन क्या कह रहे हैं
कहते हैं फैसला अदालतों ने किया नहीं है बल्कि उनसे करवाया गया है, यानी अंदाजा कीजिएगा कि तस्हीक अदालतों की। और फिर कहते हैं 99 के साथ उसे इक्वेट करते हैं, यानी फौज पर भी ये उसी तरह इल्जाम लगाते हैं कि किसने करवाया, नाम नहीं लेते, खुल के सामने आते भी नहीं है और बात कह भी जाते हैं। तो अब भी बड़े आराम से इसको अब्बासी साहब को कहेंगे कि इनसे करवाया गया है और फिर ये मजलूम बन जाएंगे। देखिए अनमैनेजेबल हो रहा है, पाकिस्तान की गवर्नेंस अनमैनेजेबल है। अब कोई रियासत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है जिस तरह से आपकी मईशत को तबाही की तरफ जाने पर जा रही है, जिस तरह से आपकी लॉ एंड ऑर्डर आपके बस में नहीं है, आपका यहाँ धरना दिया है, आप एयरपोर्ट इस्लामाबाद में, एयरपोर्ट तक इस्लामाबाद से बंदा पहुंच नहीं सकता है, वो यानी अच्छा, इनके कंट्रोल में नहीं है, कई दिनों से वो बैठे हुए हैं। प्रोफेसर साहब मैं आता हूँ, मैं शफकत साहब से पूछ लूँ, अगर कोई ऐसी इन्वायरमेंट बनती है शफकत साहब के प्राइम मिनिस्टर खुद असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व कर देते हैं और खोसा साहब कह रहे हैं कि वो इल्जाम उन पर लगेगा कि उनसे करवाई गई है, कैसे करवाई जा सकती है? कुछ तो नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को असेंबली डिसॉल्व कर दे तुसी? नहीं, मेरा ख्याल है कि पुश नहीं कर सकता। और सियासी जो मुझे नजर आता है, मुझे कोई सियासी ऐसे दबाव नहीं नज़र आते कि जिसके तहत वो डिसॉल्व करें। वैसे गवर्नेंस मैं खोसा साहब से अग्री करता हूँ, जितनी बुरी हालत इस वक्त मुल्क में गवर्नेंस की है, जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, इकॉनमी बर्बाद हो रही है, उसके बारे में तो दो राय नहीं है, एक वैक्यूम है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये चिपड़े रहेंगे, ये छोड़ते नहीं इतनी जल्दी। और तो आपके ख्याल में असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे? नहीं, एक और सूरत हाल के बारे में स्पेकुलेट किया जा सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। और वो ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये अपनी मेजोरिटी असेंबली में लूज कर दे, तो अगर वो मेजोरिटी असेंबली में लूज करती है और असेंबली एक नया लीडर इलेक्ट नहीं कर सकती, तो फिर भी सरकमस्टांस एक हंग पार्लियामेंट हो जाती है जिसके बाद इलेक्शन के सरकमस्टांसेस जो है वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन मेरी समझना चाहूंगा, असेंबली में अगर ये अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर सकते तो वो कैसे, वो सिचुएशन कैसे बनेगी वहां? लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ आपको कि अभी हमने पिछली दफा ये देखा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव की और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मूव करने के बाद ये अपने वहां 30 से 40 से ज्यादा लोग वहां पे हॉल में नहीं ला सके। उसके बाद क्या हुआ कि सेनेट ने एक अमेंडमेंट पास की इलेक्शन बिल में, जिसके तहत वो जो नवाज शरीफ साहब दोबारा सदर बन गए उसको रिवर्स किया, यानी कि जो नाहिल शख्स है वो पार्टी का अहदेदार नहीं हो सकता। वो आना था एज ए प्राइवेट मेंबर बिल मंगल को, उससे पहले एक रात को इन्होंने प्ररोग कर दिया, क्योंकि इनको डर था कि कहीं ये बिल हमारे खिलाफ मंजूर ना हो जाए। नंबर्स पूरे नहीं थे। अब भी लगता है कि ये जो अभी असेंबली आज मीट की है कि ये भी शायद मंगल तक ना पहुंच सके, क्योंकि इनको डर है कि इनकी मेजोरिटी नहीं है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो किसी वक्त भी सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए, और या इनको ये कुछ की बिल के मामले में हार जाएं और इनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़े। लेकिन असेंबली का जो 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 आईन है वो ये कहता है कि अगर ये मेजोरिटी लूज करते भी हैं तो ऑटोमेटिकली असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। असेंबली तब डिसॉल्व होती है कि अगर वो असेंबली एक नया लीडर मेजोरिटी के साथ इलेक्ट करने में नाकाम हो, तो वो भी सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुझे अब्बासी का डिसॉल्व करना मुश्किल नजर आता है। okay. अगर नो कॉन्फिडेंस आती है खोसा साहब, तो आप लोग कहां पे खड़े होंगे, पीपल्स पार्टी कहां खड़ी होगी? देखिए, नो कॉन्फिडेंस तो तभी करेंगे जब सारी ऑपोजिशन कंबाइंड होगी और हमें ये बावर होगा कि ये जो है पास हो जाएगी। तो नो कॉन्फिडेंस अभी तो जिस तरह से मैं, ये बिल्कुल शफकत साहब ठीक कह रहे हैं, ये इनको खौफ जरूर है, लेकिन अभी तक रियाज पीरजादा और दो चार उनके अलावा जो उनके हम ख्याल सरायकी वसेब सरायकी बेल्ट से हो सकते हैं, उसके अलावा अभी कोई बज़ाहिर ओपनली नहीं आए हैं, चाहे वो चौधरी निसार हैं, चाहे वो कहते हैं कि इनके भाई साहब खुद जो है शहबाज शरीफ वो एक दड़ा रखता है, या जिस तरह हमजा शरीफ के उधर नारे लगे लाहौर में इकबाल टाउन में, जहाँ ये एक फंक्शन कर रहे थे और इन्होंने उसका नाम ना लिया। तो ये अंदरूनी तौर पे खलफशार ज़रूर है, लेकिन जिस अंदाज से, जिस नैरेटिव के साथ नवाज शरीफ और फिर मरियम जो है ये चले हैं
ऑन एक असॉल्ट कर रहे हैं बराह रास्त जो है अदलिया पर और अफवाज पाकिस्तान पर, उससे फिर कुछ जो है इनका जेल कर गई है पार्टी के अंदर, फिर रुकावट आप समझ सकते हैं कि उस शिकस्त और एक की कुछ वाज़े खदोखाल नहीं आए हैं। एक और भी आवाज आ रही है, जो आवाजें आ रही हैं बड़ी इधर उधर से छोटी छोटी आवाजें आ रही है, ज्यादा कोई चीखों पुकार नहीं है इस चीज में, लेकिन बड़ी दबी दबी आवाजें ये हैं कि मियां साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई पैचअप हो जाए और जान खलासी हो जाए। देखिए वो तो नवाज शरीफ साहब का ये एक खासा है उनका कि जब उन पर मुसीबत आती है वो आपके पाँव में गिड़गिड़ा के रोते भी हैं और मच्छरों की शिकायत भी करते हैं और फिर ये महलों में भी चले जाते हैं माफिया मांगकर। और मैं अटॉर्नी जनरल था जब इनके मैंने कागजात देखे थे, इसी तरह है कि एक एक कागज पर हर सफ़े पर इनकी जो है दस्तखत अंगूठे लगे हुए थे सारे खानवादे के खानदान के, तो ये तो इनका खासा है, इनकी खसूसियत है। मगर अब इन पर एतबार कौन करेगा, एक दफा नहीं हर मर्तबा इन्होंने ऐसा किया है और हर मर्तबा जब इनकी जब ये उससे निकल आते हैं तो उसके बाद इनके हाथ आपकी गर्दन पर होते हैं और ये सारी जो है लूट मार करके आपके खिलाफ वो जो है ना रोंदते और लताड़ते चले जाते हैं। तो कोई पागल ही होगा जो इन पर एतबार करेगा इस मर्तबा, मेरा नहीं ख्याल कोई भी एतबार करने वाला है। और ये एक हम तो इनका फोन सुनने के भी उसके हक में नहीं है, ये खुद गिड़गिड़ा के ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैं फोन कर करके थक गया हूँ और सुनते नहीं है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस मर्तबा कोई भी इनके झांसे में आएगा या इनको कोई भी बेल आउट करेगा। Do you think कि शफकत साहब इनको इस वक्त कोई इन पे इतबार नहीं करेगा, कोई बेल आउट नहीं करेगा इनको जैसे खोसा साहब कह रहे हैं, या you have a different opinion? ये मेरा ख्याल है कि मैं खोसा साहब से एग्री करता हूं, क्योंकि अगर इनका आप माजी देखें तो ये जब नीचे होते हैं तो माफी भी मांग लेते हैं, जैसे माफी मांग करके बाहर चले गए थे, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो फिर चढ़ाई भी कर देते हैं। तो ये बहुत ही एक कोई इनके ऊपर इतबार करना तो बहुत ही शायद मुनासिब ना हो। और लेकिन बात यह है कि ये अभी जो आपको इनकी बहुत बड़ी बुलंद बांग बातें नज़र आ रही हैं और बड़ा अटैक कर रहे हैं ये वो, ये भी एक किस्म की बार्गेनिंग चिप है कि अगर एक तरफ से दबाव रखो दूसरी तरफ से कोशिश करते रहो। लेकिन मेन बात यह है कि पाकिस्तानी कौम इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई माफ करे या ना करे पाकिस्तानी कौम माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि पिछले 30 साल से जो लूट मार इन्होंने की है, मैं बता रहा तहरीक इंसाफ आपको कह सकता हूं जो कि अब पाकिस्तान की अब एक बहुत बड़ी बड़ी जमात है, हम कभी इनको इस चीज को माफ नहीं करेंगे और हम परसू करेंगे टिल द वेरी एंड, और हम इस चीज के बहुत ही खिलाफ होंगे अगर इनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वो किसी वजह से स्लो हो जाते हैं या उन पे अमल दरामद रुक जाता है या कुछ है, तो हम उसकी शदीद मुखालफत करेंगे। अच्छा, कल मुझे कह रहे थे खोसा साहब, मेरे साथ कोई पैनल था और सब वकला थे और जस्टिस थे, और वो कह रहे थे कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है 6 महीने के अंदर अंदर मियाँ साहब के केसेस जो है वो ख़त्म हो जाने चाहिए, उनका फैसला हो जाना चाहिए, वो कह रहे थे कि जनाब ज़रूरी नहीं है कि 6 माह के अंदर अंदर फैसला हो जाए, 6 माह से आगे भी जा सकता है मसला और 4 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। Do you agree with this one, जी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए आप जरा देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने जीआईटी को 60 दिन दिए तो जीआईटी अपना काम मुकम्मल नहीं कर पा रही थी और उन्होंने मोहलत की इस्तदा की जो मुस्तरद कर दी गई, हालांकि 10वां वॉल्यूम जो है वॉल्यूम नंबर 10 जो है उसमें वो जो इन्होंने म्यूचुअल असिस्टेंस में जो इन्होंने बाहमी अपना बैनुल अक्वामी मुआहदों के जरिए जो ने इतला इन्होंने दूसरे मुल्कों से मांगी थी वो सारे मुल्कों की नहीं आई थी। उन्होंने कहा नहीं, जितनी आई है आप वो भेजें, 2 मुल्कों की सिर्फ आई थी, उसकी बुनियाद पर ही इतना मवाद था कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। अब जो आहिस्ता आहिस्ता करके उन बाकी मुल्कों के भी आए हैं, अगरचे इंडिया की कभी नहीं आएगी, इनकी तो माशाअल्लाह ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, नवाज शरीफ साहब के खानवादे की तो जायदाद सारी दुनिया के किसी शहर ऐसा नहीं है जहां इनकी ना हो एसेट्स और इनके अकाउंट्स और इनकी जो है प्रॉपर्टीज ना हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मिजाज देखिएगा कि वो इसमें मोहलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए मॉनिटरिंग एक जज बनाया है। अगर चाहे आप देखें मॉनिटरिंग जज जो है खोसा साहब, सॉरी, मॉनिटरिंग जज पुश कर सकता है कि 6 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें कार्रवाई खत्म की जाए, इज इट पॉसिबल जी?
जी मॉनिटरिंग जज का सिर्फ यही काम है, देखें वो फैसले में मुदाखलत नहीं करेगा, कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ यही देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो टेरिफरी ऑफ टाइम है, जो हुक्म दिया गया है, उसके मुताबिक उस पर अमल हो और ये 6 महीने की डेडलाइन से मुतजावज ना हो ये मुकदमा। और आप खातिर जमा रखें, ये जो भी कह रहे हैं उनकी खुशफहमी है, आप देखेंगे कि ये 6 माह के अंदर ही मुकदमा खत्म होगा। अरे डे टू डे हेयरिंग करें, 1 हफ्ते के अंदर केस खत्म हो जाता है। ये 6 महीने तो बहुत ज्यादा मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिए, इसलिए बहुत ज्यादा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस में जो है वो 30 दिनों के अंदर इस केस का फैसला जो लेजिस्लेचर ने म्याद दी है वो 30 दिन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको उस 30 दिन से मुतजावज 5 माह और दिए हैं। ये नवाज शरीफ को मैक्सिमम इन्होंने जो है टाइम लिमिट दी है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, आप देखेंगे। ओके, 6 महीने साहब वांट्स टू से समथिंग जी। नहीं, मैं खोसा साहब से पूछ रहा था कि ये जो टाइम लिमिट है 6 महीने का, इसको कहां से काउंट किया जाएगा? रिव्यू पिटीशन के फैसले के बाद से काउंट होगा या ओरिजिनल फैसला जो आया था 1843 के अंडर के उससे काउंट होगा? और अगर उससे काउंट होता है फिर तो मेरा ख्याल है दिसंबर या जनवरी में शायद 6 महीने पूरे हो जाते हैं। देखिए ये पहले फैसले से ही काउंट होगा, ये रिव्यू में से काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि रिव्यू कोई फैसला नहीं है, उन्होंने कहा है कि काबिले रिव्यू नहीं है हमारा फैसला, सो उन्होंने अपने फैसले की तौसीक और तस्दीक की है और कुछ इजाफी चीजें लिखी हैं जो नवाज शरीफ साहब मांग रहे थे कि मुझे बताओ तो सही मुझे निकाला क्यों है, तो उनकी तशफी भी मजीद इसमें कर दी गई है। अच्छा, ये जो एमएलएज है, एमएलएज जो लिखे गए थे उसमें तो 21 ममालिक थे, उसमें से 3 मुल्कों ने जवाब दिया था खोसा साहब, बाकी 18 ममालिक ने जवाब नहीं दिया। और 18 ममालिक का जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि जनाब इनके बिजनेसेस हैं लेकिन किस किस्म के हैं, किस नोयत के हैं और किस वॉल्यूम के हैं वो अभी हम नहीं बता सकते, और ये दिस इज ओनली 4% ऑफ द बिजनेसेस जो विच आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूंगा कि ये जो इस तरीके ये जो आगे कहा ये जा रहा है कि 14 साल की कैद हो सकती है, तक हो सकती है 14 साल तक कैद हो सकती है, लेकिन 14 साल तक कैद हो सकती है अगर मियां साहब को तो उसके बाद फिर अपील भी है, अपीलों में भी जा सकते हैं ये, तो वो अपील में इनको रिलीफ मिल सकेगा अगर 14 साल तक कैद होती है इनको या सजा होती है इनको, तो उसमें बाद अपीलों में जाने से कितने चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है कि इनको रिलीफ भी मिलेगी? देखें जहां तक ताल्लुक है, बिल्कुल 14 साल एक एक केस की है, इनके 3 रेफरेंसेस हैं, ये 14 साल एक में, 14 साल दूसरे में, 14 साल तीसरे में, सारी जायदाद की कुर्की और जब्तगी भी हो सकती है और उसके अलावा जुर्माने भी होंगे और उसके अलावा इनको ये एक कदगन लगेगी कि कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं रह सकते या किसी सरकारी मुलाजमत, फिर साथ ही आ गए कि फाइनेंशियल कोई बैंक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इनको कर्जा देने से भी माने हो जाएगा, ये नहीं ले सकेंगे वगैरह वगैरह, वो तमाम जो कदगने हैं कानून की वो भी सारे अपने पूरे, और फिर जो जिस जिस का अगर प्रॉपर्टी वो रियासत की है तो वो प्रॉपर्टी जब्त बनाम सरकार होगी और वो रियासत में वो खजाने में वापस आएगी आपके, और जुर्माना भी वापस आएगा, और अगर किसी इदारे का देना होगा तो वो इस इदारे को दिया जाएगा अगर बैंक का वगैरह, तो इसलिए ये जहाँ तक ताल्लुक है इनकी अपील का, अपील यकीनन उनका हक है, कानून के तहत दिया गया है और उसका फैसला भी अगर देखें तो वो भी सूरत के साथ होना मकसूद है, मुंदरजा कानून में, और वो डिवीजन बेंच लाहौर हाई कोर्ट की या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जैसे भी केस है वो सुनेगी, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील लेकर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बिल आखिर इन्हें कहीं से भी रिलीफ मिलेगी, अगर इनका डिले अपील में होता है तो भी मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग जज, ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली मरतबा इनके लिए बनाया है, हर जो है उसमें लिखा हुआ है, नैब लॉ में लिखा हुआ है कि जिस मुतालिका हाई कोर्ट के नीचे वो नैब अदालत काम कर रही होगी वो मॉनिटरिंग करेगी उनकी। सो ये तो बदकिस्मती है कि तवालत की नजर हो जाते हैं मुकदमात, इसलिए कि तसाहल
एक तो नैब करती है, वो इल्तवा जानबूझ के केस में ऐसी खामियां और कमजोरियां छोड़ जाती है, फिर उसकी प्रोसिक्यूशन सही तरीके से वो करने से एतराज करती है बावजूद इसलिए वो एक ताकतवर लोग हैं, हुक्मरान लोग हैं। दीदी वो तो एक लॉ में फ्लॉज है। आई सी देम इन अडियाला जेल। अच्छा, कब तक? विद इन दिसंबर, इस दिसंबर के इस साल के खत्म होने तक से पहले ही आई सी देम इन अडियाला जेल। चलो जी, खोसा साहब कह रहे हैं कि दिसंबर का महीना यानी कि सख्त है मियां साहब के लिए, आप कह रहे हैं जी वो अडियाला जेल में। जी बिल्कुल। शफकत साहब, 16 रेफरेंसेज जो मेरी इतलात है जनाब, 16 रेफरेंसेज तैयार पड़े हुए, इंक्लूडिंग दीज रेफरेंसेज, 16 रेफरेंसेज तैयार पड़े हुए और मियाँ साहब जनाब उन रेफरेंसेज में उनको भुगतना पड़ेगा वन वे और दी अदर। और एक लॉ भी है शफकत साहब कि प्री बार्गन हो सकती है नैब में, तो क्या प्री बार्गन अगर हो जाए तो उसमें जो पोलिटिकल तो कैरियर ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर ये कोशिश की जाए कि उनमें से मरियम बीबी को साइड पे कर दिया जाए और बाकी प्री बार्गेन करके हो जाए साइड पे, तो उस पर आप लोगों का पीटीआई का क्या स्टैंड होगा? देखें जी, पहले तो बात ये है कि 16 रेफरेंसेस अगर हैं तो मेरा ख्याल है कि ये तो 50 रेफरेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब से इन्होंने सियासत शुरू की और ख़ास तौर पर 1985 के बाद, तो इन्होंने सरकारी वसाइल को अपनी ज़ाती वसाइल समझा, सरकारी ज़मीनों को अपना समझा। ये जो लाहौर में जौहर टाउन और एलडीए स्कीमें थीं उनसे शुरू हुए और उसके बाद जो इन्होंने गदर मचाया, बैंकों के साथ जो किया, अरबों रुपए बैंकों के खा गए और फेलिंग बिजनेसेस थे सारे, उनके ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर ले गए। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक तो इनके 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 जरायम का ताल्लुक है, वो तो एक लंबी लिस्ट है और अफसोस सिर्फ इतना से कहना पड़ता है कि हमारा जो जुडिशल निज़ाम है वो इतना उसमें कमज़ोरियां हैं कि वो कोई फ़ैसला टाइम पे दे नहीं सकते। और इनको तो ख़ास तौर पे बहुत ही छूट मिली क्योंकि मुख्तलिफ अवकात में इनके केसेस जो थे वो या एक साइड पे कर दिए गए या उन पे फैसले इनके हक़ में कर दिए गए। एक ज़माना मुझे ये भी याद है कि इनके पता नहीं 6 अरब रुपए के डिफ़ॉल्ट थी, तो इन्होंने एक फैक्ट्री दे दी इत्तेफाक फाउंडर का, जी इसको ले लें और हमारे सारे जितने भी ड्यूज़ हैं उनको फ़ारग कर दे। हालांकि इस किस्म की कोई मिसाल जो है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। तो इस किस्म के इनके इनका बैकग्राउंड है, 16 रेफरेंसेस आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आना चाहिए। बाकी जिस हद तक रह गया प्ली बारगेन का, प्ली बारगेन लॉ तो जहां तक मुझे पता है लॉ तो प्ली बारगेन प्रोवाइड करता है, लेकिन सियासी मौत इनकी हो जाएगी अगर प्ली बारगेन करते हैं। पता नहीं एक्सेप्ट करती है नैब या नहीं करती। नहीं, हम तो लॉ है ना जी, हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो कह लॉ है शफकत साहब, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन हम समझते हैं कि जो इन्होंने जरायम किए हैं उसकी सजा जो है वो पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। सजा बोलते कि उसमें एक लॉ एग्जिस्ट करता है नैब के अंदर, वो प्ली बारगेन कर सकते हैं, तो फिर उसमें आप लोग क्यों उस पर इतराज करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस जो इनके हीनियस क्राइम्स हैं, जिस तरीके से इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है और जिस तरह के अरबों की जायदादों के बारे में इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इससे यही है कि ये पाकिस्तान की अवाम का खून चूस के बनाई गई हैं। तो उसके बाद फिर माफ़ी का खाना जो है हमारे खाने में, हमारे दिल में तो कोई, लेकिन you guys are in the parliament, हमारे ठीक है, हम पार्लियामेंट में लॉ तो आप लोगों ने बनाया, लेकिन ये लॉ हमसे पहले बना था और हमारे पास हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम लॉ को आगे पीछे कर दिया जिसमें उन्होंने था। बहरहाल वो हमारी अदवी अक्सरियत जब होगी तो इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें चेंज करेंगे। आप एटलीस्ट अभी आप देखें तो अभी इन्होंने ये लॉ जो अभी इन्होंने नैब का लॉ को अमेंड करने की कोशिश की है, हमने तो शदीद मुखालफत की है उसकी, क्योंकि उसको और कमजोर कर रहे थे उसको। जी हाँ जी, वो तो बचत होगी है ना। हाँ, उसको मजीद कमजोर कर रहे थे। कौशल साहब, व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू गाइस पैचिंग अप विद पीटीआई? आर देयर एनी चांसेस? कोई है चांस आपका पीपल्स पार्टी का पीटीआई से मिलने का या एटलीस्ट वर्किंग रिलेशन होने का? राणा साहब, पहले मैं उसका भी जवाब दे दूं। देखिए, दफा 25 जो है ये इसका नैब ऑर्डिनेंस का, उसमें दो चीजें हैं। एक वॉलंटरी रिटर्न है जो तफ्तीश के दौरान या उससे पहले आता है। दूसरा है प्ली बार्गेन जो आप फरमा रहे हैं, वो जब रेफरेंस पेश हो जाए
तो फिर वो अदालत की दस्तरस में आ जाते हैं। अगर आप प्ली बार्गेन करेंगे तो फिर आप पर तमाम वो कदगने जो है वो नाफिज रहेंगी, आप पर वो बार ऑफ होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस, आप पर वो ठीक है, पॉलिटिकल कैरियर तो पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि उसमें वो खत्म हो जाए, कोई ऐसी डील हो जाए, सिर्फ जेल से बाहर डील ऐसी हो जाए कि जिसमें कहा जाए कि जनाब मियां साहब या सफदर साहब या और जो लोग हैं वो नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, लेकिन मरियम भी पॉलिटिक्स में रह जाए। नहीं, वो कन्विक्शन मुतसबर होगी। और दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त इस बारे में ऑब्जर्वेशन दी हैं कि ये इस तरह से ये नहीं हो सकता कि आप लूट मार करके और फिर आप कुछ पैसा दे के और आप जेल से बाहर आ जाएं तो फिर सारों को छोड़ दें। सो सुप्रीम कोर्ट इस पर कर रही है, वॉलंट्री रिटर्न तो ऑलमोस्ट उन्होंने ख़त्म कर दिया है। वॉलंट्री रिटर्न में आपको सारी वो मराहत और सारा आप यानी धुल के साफ सुथरे हो जाते हैं। एक कानून है, आप लोगों ने बनाया वैसे मुशर्रफ ने, नहीं वो ऑर्डिनेंस है 99, माफ कीजिएगा, मुशर्रफ का 99 का ऑर्डिनेंस है, लेकिन मुशर्रफ तो चला गया ना जी, मुशर्रफ के बाद आप लोग बैठे रहे, आप लोग चेंज कर देते उस लॉ को, मुशर्रफ ने रोका थोड़ी था। तरमीम हमने कोशिश बड़ी की, ये नवाज शरीफ ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे साथ जो है सिंपल मेजोरिटी हमारे पास नहीं थी, हमारी कोलिशन जो है वो भी आपको पता ही है किस तरह से, कभी एक छोड़ जाता था कभी दूसरा। बार कैफ ये कहानी ऐसी है कि अददी बदतरी बदकिस्मती से सिर्फ नवाज शरीफ को ही मिलती है हमेशा, और ऐसी मिलती है और उसका वो फनाई करता है जिस तरह अब उसने की है। तो ये एक तारीख है जो दोहराती चली आ रही है। जो दूसरी बात आपने की पीटीआई के साथ, देखें पीटीआई के साथ हम इन इश्यूज पर, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, हम बिल्कुल उस पर जो है हमारा यही मौकफ है। हम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहले गए थे और मैंने लीड की थी पीपल्स पार्टी की पिटीशन जो है, उस वक्त पीटीआई हमारे साथ थी। फिर जब ये आया कि बिल ये इसमें टीओआर पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे, हम दोनों इकट्ठे गए थे जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, बिल एतजाज आसन ने किया था, पीटीआई ने उस पर दस्तखत किए थे। तो कुछ बातों पर हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन पीटीआई का अपना मौकफ है, ये सोलो फ्लाइट हमेशा लेती है, जब भी कभी वो होने लगती है तो ये फिर शुरू हो जाते हैं कि जी नवाज और जरदारी एक ही शिप में। तो फिर आप बताएं, जब ये हमें भी उसी तरह लताड़ते हैं, उसी नज़र से देखते हैं, तो फिर ऐसे तो ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो कभी भी नहीं बजती ताली। नहीं, लेकिन हम चाहते हैं पब्लिक की खिदमत करना, हम चाहते हैं कि कानून जो है ऐसे बने जो पब्लिक सेंट्रिक हों, हम चाहते हैं कि ये मुल्क जो है फलाही ममलकत बने, हम चाहते हैं कि ये इसमें जमहूरियत सही माने में आए। हम बिल्कुल इन चीज़ों पर, हमारा तो डीएनए इतना मजबूत है कि हमारी क़यादतों ने तो शहादतें दी हैं, हमने कहा ताकत का सरचश्मा आवाम है, विच मीन्स मुक्तदिर करना आवाम को, हमने आइन में ये चीज़ें मुंदर्ज की 73 के आइन में, हमने रोटी कपड़ा मकान कह के एक फलाही ममलकत की दाग बेल डाली, आज भी हम इन चीज़ों पर कायम है। आप चाहते ही हैं कि एक वर्किंग रिलेशन हो, शफकत साहब भी इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन शफकत साहब इमरान खान साहब तो बहुत बहुत खुल के फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं अगेंस्ट जरदारी साहब। नहीं देखें, पहले तो बात यह है कि नेशनल असम्बली में हम मुख्तलिफ औकात में, और कुछ मिसालें खोसा साहब ने दी हैं, हमने आपस में कोलेबरेट भी किया है इशूज़ पर, अब हम इकट्ठे भी आए हैं। बल्कि उसकी लेटेस्ट मिसाल ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया तो हमें तो उस पर एतराज़ नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया कि सीसीआई की मीटिंग नहीं हुई, एमक्यूएम ने एतराज़ किया, तो हमने यही कहा कि इनके एतराज़ात जब तक दूर नहीं होते तब तक हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो जहाँ तक इशू बाय इशू का ताल्लुक है, हमने और चीज़ों में भी कोलेबरेट किया, नेशनल एक्शन प्लान में भी हमने मिल के काम किया, और चीज़ों पर भी मिल के काम होता रहा। लेकिन जहाँ तक सियासी इलाहाक की बात है, इलाहाक तो नहीं करना चाहिए कि साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो यही होता है, जिसकी मिसालें मैंने भी दी हैं, खोसा साहब ने भी दी हैं, लेकिन हमारे सियासी जो मकासद हैं वो मुख्तलिफ हैं, हमारी जो सोच है मुख्तलिफ है, और हमारा जो स्टैंड है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि हम समझते हैं कि जहाँ तक करप्शन का इशू है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और उस मामले में पीपल्स पार्टी और उसकी क्यादत की जो कारकर्दगी है वो कोई दरख्शां मिसाल नहीं है। और उसके अलावा सिंध में अब हम जा रहे हैं, वहाँ पर हम कैंपेन भी कर रहे हैं,
और में जाने जाते हुए आपने देर नहीं लगा दी। नहीं, लेकिन बहरहाल हम जा रहे हैं। सो मकसद यह है कि सियासी मकासद हमारे मुख्तलिफ हैं। लेकिन सिंध में अगर आप जा रहे हैं शफकत साहब, तो आपके पास सिंध में बंदे खड़े करने के लिए इलेक्शनों में है आपके पास बंदे जो लड़ सकें? अभी हमने शुरू किया है, अब जहाँ जाना शुरू किया है, अभी आपने थोड़ी देर नहीं हो गया? चले, अभी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन मुमताज़ भुट्टो हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, और भी लोग आ रहे हैं। इलेक्टेबल्स की आप बात कर रहे हैं कि जी जब तक इलेक्टेबल्स नहीं होंगे, मेरा ख्याल है कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और उसकी एक वजह यह है कि सिंध के अवाम हमारी दानिस में, हमारी सोच के मुताबिक खुश नहीं है पीपल्स पार्टी की 9-10 साल हुकूमत के साथ। तो इसलिए वहाँ पे मौका है, और अभी वहाँ पे एक और पॉलिटिकल अलायंस भी बना है, उसके साथ भी मिल के हम कुछ कर सकते हैं। तो मोटी बात यह है कि सियासी मकासद हमारे मुख्तलिफ हैं, इश्यूज़ के ऊपर हम मिलके चल सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। मेरे ख्याल में शफकत साहब 8.5 लाख वोट जो आपको पड़ा था इलेक्शंस में पीटीआई को, वो अगर आप संभाल पे? कराची में जी, कराची में अगर आप उसको संभाल के रखते तो ना पीएसपी बनती और ना जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, अभी तो ये जो एमक्यूएम का मसला क्रिएट हुआ था, उसमें आप लोग बड़े बेनिफिशियरी होते अगर आप अभी इसके बारे में कबल रखते ये कहना कि जी उसको संभाल के रखते। पॉइंट इज़ के हम तो समझते हैं कराची में अब जो हालात बन रहे हैं ये बिल्कुल हमारे मुवाफिक हैं, क्योंकि ये जो जिस तरह एमक्यूएम और पीएसपी आपस में लड़ रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी इस्टेब्लिशमेंट की बातें करते हैं, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि पीटीआई के 8.5 लाख कम है, इससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उससे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। डू यू थिंक सो खोसा साहब ऐसे ही होगा? खोसा साहब तो कहेंगे नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे बताएं, चले अच्छी है, सोच अच्छी रखनी चाहिए, कोई ऐसी मुजायका नहीं है। देखे भुट्टोस की कुर्बानियां इतनी उनके दिलों और दिमाग पर मुनक्कश है कि मेरा नहीं ख्याल के कोई भी उसमें, बल्कि आप अगर देखें तो हमने अर्बन सिंध भी इस मरतबा हमने कैप्चर कर लेना है, क्योंकि आप अच्छा। देखें कि एमक्यूएम के भी एमएनए जो है खोसा साहब तुसी ते कह रहे हो अर्बन सिंध जो तुसी ले जाना है इधर, तो शफकत साहब हंस रहे ने। नहीं नहीं, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हंस नहीं रहा। कोई गल नहीं, हंसना उन्होंने तो हक है जी, जरूर हंसना। लेकिन असी देखें, आप देखें, हमने स्वीप करेंगे इंशाल्लाह, ये बिल्कुल आप खातिर जमा रखें। इसीलिए तो हम कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो अच्छी बात है, लेकिन वक्त से पहले आप भी हमें ने खुश आमदेद कहते हैं, सिंध में बड़े भले आए सिंध में, हमें ने खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान है सभी में, मैं कहता हूँ नेशनल स्पिरिट तभी उजागर होगी, कोई भी रीजनलिज्म पे या प्रोविंशलिज्म पे सियासत ना करे, पाकिस्तान की सियासत करें, और हर जमात को हर जगह जाने का हक है, लेकिन हम इनको वेलकम करते हैं सिंध में, बिल्कुल आएं। शफकत साहब, व्हाई आर यू आस्किंग फॉर अर्ली इलेक्शंस? व्हाई? देखिए, वो अभी आपको याद है कि शुरू में खोसा साहब जब आपने पहला सवाल किया तो उन्होंने आपको बताया कि किस तरह हुकूमत ना होने के बराबर है। हम समझते हैं कि जब ऐसी मुकाम आ जाए, ऐसा मौका आ जाए किसी जमहूरियत में जहाँ के मफलूज होकर रह जाए हुकूमत, और जब से नवाज शरीफ गए हैं वो ये जो प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसको वो तो कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ ही नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ है, और उसके अलावा जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है वो भागा हुआ है मुल्क से, बीमार है, अल्लाह उसको सेहत दे अगर वाकई बीमार है, लेकिन वो तो उसके तो इकॉनमी की हालत देख लें और फाइनेंस मिनिस्टर की हालत देख लें, दोनों तकरीबन एक बराबर हैं, तो ये तो हुकूमत जो है ना होने की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी जो सेहत, जिस तरह वो अस्पताल में साहिब फराश है, इसी तरह हमारी इकॉनमी भी साहिब फराश है। अगर आप फाइनेंशियल पोजीशन माशाल्लाह साहब की बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। सो मकसद ये है कि जमहूरियत में जब एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ पे गवर्नेंस तकरीबन नापैद हो जाती है, तो वहाँ पे अर्ली इलेक्शन जो है एक हल होता है, क्योंकि उसके बाद एक ताज़ा खून आता है, एक ताज़ी क़यादत आती है, और वो आके नए फ्रेश आइडियाज़ के साथ आती है और वो हालात को बेहतर करती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई गैर जबूरी गैर आइनी बात नहीं है कि अगर हम ये कहें कि जल्दी इंतखाब है। लेकिन आप ये नहीं समझते शफकत साहब कि जिस जो तरीका है इलेक्शंस का, आप लोग खुद ही उस पर आईब्रोज रेज करते रहे, क्वेश्चन मार्क आप लोग उस पर रखते रहे कि जनाब जो तरीकाकार है इलेक्शंस का इस वक्त, उसी तरीका कार से दोबारा अगर इलेक्शंस कराए जाएंगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? मेरे भाई, तो बात यह है कि हमने जमहूरियत को बेहतर करना है और उसमें बहुत कमजोरियां हैं,
इलेक्शन का निजाम, हमने तो धरना दिया 126 दिन इलेक्शन के, नहीं लेकिन इस तरीकाकार से पहले इलेक्शन हुए थे उसी तरीकाकार से दोबारा कराएंगे इलेक्शन, तो उसका आउटकम क्या है? बराड़ा साहब अगर इसको बहाना बना के इलेक्शन को पोस्टपोन, बहाना नहीं आप खुद बताए ना, आप भी मेरा ख्याल है कि इसी में से सोल्यूशन निकलेंगे और इलेक्शन से ही सोल्यूशन निकलेंगे। पीटीआई इज नॉट फॉर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, वी strongly reject any kind of technocratic government. People's Party kya kehti hai, Khosa sahab, technocratic government honi chahiye, nahi honi chahiye for a short span? Dekhen, People's Party ka to mauqif bada clear hai. Hum asooli taur par chahenge ki election jo hukumat aayi hai wo apne miyad puri kare aur elections time pe hone chahiye aur taaki ek tasalsal ho. Hame bhi na karne diya gaya, humne wazir azam tabdeel karke bhi humne dobara jo hai dusra wazir azam banaya. Lekin main Rana sahab aapko bade basook se kehta hu, ye chal nahi payega. June tak kehna, June bahut dur hai abhi, ye hukumat nahi chal sakti hai. Is tarah se riyasatein nahi chalti hain, is tarah se mamlaat nahi chal sakte hain. आप देखें कि खुदा का खौफ करें ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब, कम से कम कुछ तो तर्स खाएं इस गरीब अवाम पर, इस ममलिक रियासत खुदादाद पाकिस्तान पर जिसने इन्हें इतना कुछ दिया है. इस तरह हमारे मामला तबाही की तरफ जा रहे हैं. आप हर चीज में देखें, व्हाट इज द सॉल्यूशन? कोसा साहब, आई एम लेफ्ट विद 2 मिनट्स. व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट्स कम अप विद द सॉल्यूशन. आर यू फॉर अर्ली इलेक्शंस? वेरी सिंपल. आर यू फॉर अर्ली इलेक्शंस? असेंबलीज मस्ट, the prime minister must give an advice for the dissolution of the assembly. Okay. And they should go for a fresh election, early elections, right? Well, I would say that because it is unmanageable, let him, let the prime minister under the constitution exercise. No, if the prime minister dissolves the election, so, if the prime minister dissolves the assemblies, तो अर्ली इलेक्शंस हुए ना जो पीटीआई कह रही है. नहीं देखे, पीटीआई का कहने का मतलब आप ये कह के उनको प्रेशर में ना डालें. बात सिर्फ यही है कि खोसा साहब और मैं एक बात पे मुत्तफिक हैं. नहीं देखे ना, हुकूमत ना होने के बराबर है वो, ठीक है वो. और उसके बाद और कोई सोल्यूशन? और कोई सोल्यूशन असेंबलीज डिसॉल्व हो, दोनों एक ही बात कर रहे हैं. तो अगर दोनों आप यही बात कर रहे हैं, अगर असेंबली डिसॉल्व, क्योंकि हुकूमत नजर नहीं आ रही, पीपल्स, एक मिनट खोसा साहब, हुकूमत नजर नहीं आ रही. पीपल्स पार्टी का असूली मौकफ मैंने बताया था कि हम जो भी हुकूमत हो, हम चाहेंगे कि वो अपना ठीक है, ठीक है. और जून तक आप कह रहे हैं काम नहीं चलेगा, जून तक काम नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं ना? नहीं चलेगा. तो असेंबली पहले डिसॉल्व करने की बात आप भी कर रहे हैं, पीटीआई भी कर रही है. तो अगर असेंबली पहले डिसॉल्व होती है तो उसके बाद फिर आप क्या अर्ली इलेक्शन ही हो सकते हैं ना? या तो अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, या अर्ली इलेक्शन नहीं अगर होते तो फिर टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा, केयरटेकर सेटअप आएगा. वो छह महीने साल निकाल देगा, केयरटेकर गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत विद इन 90 डेज इलेक्शंस. अच्छा, ओके, नथिंग एल्स. आई एग्री विद दिस जी, एब्सोल्युटली. ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. सो कंसेंसस ये है जनाब के असेंबलीज डिसॉल्व की जाए, पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का, और असेंबलीज डिसॉल्व की जाए क्योंकि जून तक ये हुकूमत चलती हुई इनको नज़र नहीं आती, और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आए और 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन कराया जाए. फिलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.